डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 56, चैप्टर 9, और ये चैप्टर 9 का लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद चैप्टर 9 खत्म हो जाएगा और इसके आगे जो है चैप्टर 10 बना हुआ है, और उसके आगे का जो एक्सरसाइज है 68, उससे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, और ये डेसिमल वाला मल्टीप्लाई है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद डिवाइड भी दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना है, इस तरह से जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, और सिंपली जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे 9 टू जा 18 हो गया, 8 1 बच गया, 5 टू जा 10 और 1 11 हो गया। तो यहाँ पे 1 दे दिए, फिर 1 बचा हुआ है, 2 टू जा 4 और 1 5 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है, तो पॉइंट के बाद भी 1 ही रहना चाहिए। इधर से 1 गिनते हैं, इधर से 1, यहाँ पे पॉइंट हो गया, और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा, ये हो गया कंप्लीट। और इसी तरह से यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो मीटर मैंने ऊपर में लिख लिया है। अब यहाँ पे 7 टू जा 14 हो गया, 1 बच गया है, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, तो 1 हाथ में जो बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। 8 टू जा 16, 16 के 6 हो गया, और फिर 1 हाथ में बचा हुआ है, और यहाँ पे 2 1 जा 2 हो गया, और ये 1 3 हो गया 3। अब यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे, और 1 से जब मल्टीप्लाई होगा कोई भी नंबर तो सेम टू सेम वही रहता है, तो इसी को हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7 0 8 और 1। अब यहाँ पे इसको करते हैं ऐड, 4 हो गया, 7 1 8 हो गया, और यहाँ पे 6, 8 3 11 1 बच गया, और ये 2 1 1 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से गिनिए, 1 2 के बाद पॉइंट दे देते हैं, ये मीटर में आ गया, और ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है 3 और 4, तो यहाँ भी इसी तरह का 1 डिजिट का मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो इसको बनाना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 2 हो गया, 7 बच गया, 8 8 जा 64, 64 और 7, तो इसमें 6 दें तो 70 हो गया, और 171 हो गया, तो यहाँ पर 1 और फिर 7 बच गया है। 8 5 जा 40, 40 और 7, 47 हो गया, तो यहाँ पे 7 और 4 बच गया, यहाँ पे 4 बच गया है। 8 2 जा 16 17 18 19 20, तो 20 यहाँ पे आ गया। 1 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, मीटर में है ये, तो यहाँ मीटर देते हैं, और ये आंसर यही है। यहाँ पे 7 5 जा 35 हो गया, तो 5 लिख दिए, यहाँ पे 3 हो गया, और 7 3 जा 21 21 और 3 24 हो गया, तो 4, उसके बाद 2 बचा हुआ है, 7 2 जा 14 14 और 2 16 6 हो गया, 1 बचा हुआ है, 7 1 जा 7 और 1 8, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पर गिनना 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे, तो ये है किसमें, किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखना है, किलोमीटर, तो यहाँ पे ये किलोमीटर में इसका आंसर आएगा 8 किलोमीटर, 8.645 किलोमीटर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कम्प्लीट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, मल्टीप्लाई का ये लास्ट पार्ट है, और इस तरह से हम लोग लिख लेंगे इसको। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 हो गया, 0 3 बच गया, 9 6 जा 54 54 और 3 57 हो गया, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे बच गया 5। अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ये 5 उसकी जगह पे आ जाएगा, 0 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 5 आएगा, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे 6 1 जा 6, तो यहाँ पे 123 पॉइंट 123 पॉइंट यहाँ पे क्या है, किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर दे देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई का पार्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है डिवाइड, तो देखते हैं डिवाइड में क्या है।